नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज और हम आपको लिए चलते हैं जनपद हापुड़ की एक और बड़ी खबर की तरफ। बहादुरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बहादुरगढ़ पुलिस ने देवरिया जिले से गैंगस्टर में वांछित चला आ रहा 15,000 का इनाम याब युक्ति दबोचा। हापुड़ SP नीरज कुमार जादौन के निर्देश अनुसार अपराध पर अंकुश लगाने के अनुपालन में CO गणमुक्तेश्वर पवन कुमार के निर्देशन और थाना बहादुरगढ़ प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में SI सरवन कुमार गौतम, अमित कुमार और राहुल की टीम ने दिया गिरफ्तारी को अंजाम। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान जनपद देवरिया के थाना बनकटा के गैंगस्टर एक्ट में अभियोग के वांछित एवं 15,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह की माने तो गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्षेत्र के गांव रजहटी निवासी छोटे पुत्र आजम का है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा में दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जनपद हापुड़ से ध्रुवेश तोमर की रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए बने रहें लाइव न्यूज के साथ। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा जनपद देवरिया के थाना बनकटा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 15,000 के इनामिया अभियुक्त छोटे पुत्र आजम निवासी रजेड़ा थाना बहादुरगढ़ को मय अवैध तमंचा व दो जिंदा कारतूस 315 बोर की गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही।